अशोक का दौर है भैया संघर्षों का दौर। 5 अप्रैल की हो तैयारी, खेतों में जन्मी चिंगारी, मजदूरों ने भी मुट्ठी तानी, नारों की उठी गूंज भारी, मिटे झूठ का अंधियारा, सच की होवे भोर, निर्जनों का बिगुल बजा है, मिटे झूठ का शोर। संघर्षों का दौर है भैया संघर्षों का दौर, संघर्षों का दौर है भैया संघर्षों का दौर। भारत की आत्मा उसके गांव और किसानों में बसती है, भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। भारत में 80% लोग किसी न किसी प्रकार से कृषि पर निर्भर है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। किसान के सम्मान में भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। किसानी पे सब्सिडी में रोक, निजी कंपनियों का अनाज व्यापार से आगे, खेतों में बिजली के मीटर लगेंगे, निजी कंपनियों का कृषि योग्य जमीन पर कब्जा। मेरे देश की धरती सोना उगले। सम्मान देश का सम्मान, बिजनेस करना हो आसान, बिजनेस करना हो आसान। पूंजीपति इस देश का अन्नदाता होता है। ऑफ कोर्स हम किसी न किसी रूप से इन पर निर्भर करते हैं। करते हो, इनका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही। कौन है ये? ये है हमारे मित्र, हमारे दिल जानी। बताइए कौन कौन कौन? मिस्टर अंबानी। 5 अप्रैल को किसान मजदूर संघर्ष रैली दिल्ली में रामलीला मैदान में होने वाली है। देश भर से मजदूर और किसान अपनी मांगों के साथ एक बार फिर से दिल्ली राजधानी में आ रहे हैं और सरकार को अपनी मांगें जो हैं सुनाने की कोशिश करेंगे। आज हम इलाकों में मौजूद हैं। कीर्ति नगर का इंडस्ट्रियल एरिया ये है जहाँ पर जन नाट्य मंच, जो कि नाटक करने वाला एक संगठन है जिसको के सफदर हाशमी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 1973 में शुरू किया था और उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। वो नाटक के और के जरिए रैली का कैंपेन करते हुए, रैली के लिए लोगों को जागरूक करते हुए यहाँ पर नाटक दिखा रहा है। हमने लोगों से बात करने की कोशिश की कि नाटक कितना कारगर साबित हो रहा है रैली के कैंपेन में, और दूसरा ये भी कि क्या मजदूरों की इस इलाके में लोगों की क्या मांगे हैं। देखिए न्यूज़ क्लिक की ये खास रिपोर्ट। आज हमारे सामने जन नाट्य मंच का एक बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारे क्षेत्र की तमाम जनता ने आया और इनका सहयोग दिया, और 5 अप्रैल को यहाँ की जनता लामबंद होके प्रोग्राम को, जो किसान और मजदूरों की रैली 5 अप्रैल को ऑल इंडिया बेसिस पर आ रही है, हम उनमें अच्छी संख्या में शिरकत करके सरकार से अपनी जो न्यूनतम मांग है और जो श्रम कानूनों को ये ख़त्म करना चाहती हैं, उन तमाम मुद्दों को किसान और मजदूरों के माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे, कड़ी मांग करेंगे कि हमारे किसान और मजदूर का जो हित है उसको सर्वोपर रखें, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है और मजदूर ही हमारे देश के नव निर्माता हैं। इनको अगर आप ठीक नहीं रखते हो तो देश में एक बहुत बड़ा संकट है, और उस संकट को समाप्त निदान के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी मांगों को पूर्ण रूप से माने लागू करे। मेरा नाम गुड्डी है, और क्या नाम है, कीर्ति नगर में रहती हूँ, झुग्गी में रहती हूँ। और हाँ, जो नाटक के बारे में दिखाया तो बहुत अच्छा दिखाया और इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ के जो है इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं हमारे यहाँ के कीर्ति नगर के, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ इतनी अच्छी है कि इस चीज़ के साथ हमें चलना चाहिए। जो इतने बड़ा काम हो रहा है इस काम के साथ हमें चलना चाहिए। हाँ जी, नाटक तो ये मजदूरों के लिए है और गरीबों के लिए, सब चीज़ के लिए कह रहे हैं। बाकी तो सब चीज़ सब समझे तब तो ये चीज़ अच्छा लगे। आपका भी जो इलाका है ना, हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया ही है, बहुत सारे मजदूर यहाँ पर रहते भी हैं, बहुत रहते हैं। हाँ, बहुत इस समय आप देखो, हाँ वो देखो ऐसे कोठी से काम करके आएंगे और किसी के पास कुछ है, किसी के पास नहीं है, है कि नहीं। और जो दो पैसे वाला भी है तो वो भी थोड़ा सा अपना ऐड कर रहते हैं। यहाँ पर ऐसा है, वह मिल के नहीं रह पा रहे हैं सब लोग। मैं ये कह रही हूँ तो नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही?
अब ये पता नहीं है तो ये तो मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन वो गरीब बेचारा ऐसे पीछे जा रहा है कि नहीं है। और किराया तो ना झुग्गी में भी रहते हैं, फिर भी 4,000-5,000 रुपये किराया है झुग्गियों का, किराए पर बहुत रहते हैं यहाँ। हाँ, मजदूरी लोग रहते हैं, दूर दूर से आते हैं, किराए पर रहते हैं, अपना कर रहे हैं। हम तो कह रहे थे कि ये थकार कर वापिस चले जाएंगे, ये तो फिर रहने की तैयारी में लग गए। और सर किसानों के साथ मजदूर भी हैं और बुद्धिजीवी भी, अब क्या चाहिए? ये जो 5 अप्रैल को रैली हो जानी, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, और मकसद यह है कि जो सरकार लेबर कोड लाई है, किसान जो लेबर कानून था मजदूरों का, उसको ख़त्म करके लेबर कोड लाया है, और मजदूरों को एक तरह से बंधक बनाने का प्रयास जो है, मजदूरों को बंधुआ मजदूर जिस तरह से हम एक इसको इस तरह से देखते हैं कि सोवियत रशिया से के उदय से पहले जिस तरह से किसानों मजदूरों के साथ जो था बंधुआ मजदूर की स्थिति, और यह कानून शायद उसी परिपाटी को पूर्ति करता है। ये सोवियत रशिया पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का एक उदाहरण था कि मानव हित में बात करना, लेबर के हित में बात करना, काम के घंटे की बात करना, वहाँ पे ये निश्चित हुआ था। इससे पहले, इस सोवियत रशिया से पहले कहीं पे भी दुनिया में किसी कोने में भी किसानों को काम के घंटे की बात, उसके सुरक्षा की बात, उसके मेडिकल की बात कहीं नहीं थी। और इसी लिए किसान मजदूर जो है इस कोर्ट के खिलाफ खड़ा हुआ है, और इसीलिए ये बारंबार आंदोलन कर रहा है। ये कानून नोटिफिकेशन के जरिए, अध्यादेश के जरिए पारित तो हो चुका है संसद में, लेकिन अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं। सिर्फ इस मजदूर किसानों के आंदोलन के चलते ये लागू नहीं हो पाया। काम करो सब, हमारा ये नया नाटक संघर्षों का है दौर, ये हम अखिल भारतीय मजदूर किसान रैली जो 5 अप्रैल को रामलीला मैदान में होगी उसके प्रचार के लिए कर रहे हैं। इस नाटक में, ये छोटा सा नाटक है, 10 मिनट का नाटक है, और इस नाटक में बेसिकली हमने बहुत बढ़ा चढ़ा के उस नेक्सस को दिखाया है जो सरकार, पूंजीपति और मीडिया के बीच में है, कि पूंजीपति के फ़ायदे के लिए सरकार कैसे कैसे स्टेप्स लेती है, क्या क्या करती है, और उन स्टेप्स को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया कैसे दिखाती है, और असली जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जिन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, उनका कहीं पे नामो निशान है नहीं। और इसमें हम, इस नाटक में हमने ये भी दिखाया है कि किसानों की, मजदूरों की क्या मांग है, और वो 5 तारीख को रामलीला मैदान में क्यों आ रहे हैं। जननाट्य मंच पिछले 50 साल से इसी तरह के नाटक कर रहा है, और अक्सर ऐसे कैंपेन हुए हैं दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर भी, जिसका जननाट्य मंच ने पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। अब ये जो कैंपेन है 5 अप्रैल की रैली, मजदूर किसान एकता रैली जो हो रही है, उसके अंदर भी जननाट्य मंच जैसे हमेशा से उस रैली के मुद्दों को लेकर जाने का काम हम कर रहे हैं। ये नाटक जो है इसको हम एक तरह से पोस्टर प्ले, पर्चा नाटक कह सकते हैं, कि जिस जो रैली के मुद्दे हैं, जो पर्चे के, जो पर्चे बांटे भी जा रहे हैं अलग अलग इलाकों के अंदर, उन मांगों को हमने सीधे तौर पे इस नाटक के अंदर डाल दिया है। तो जब जनता इस नाटक को देख रही है, या हम जब जाते हैं तो सीटू के जो और साथी होते हैं वो देखते हैं, तो वो कहते हैं अरे आप तो यही बोल रहे हैं जो कि हमारी मांगे हैं। तो इसका जो बनाने का भी तरीका रहा वो यही रहा कि हम किस तरह से बिल्कुल डायरेक्ट स्पष्ट शब्दों में जो इस रैली की मांगे हैं, मांग है, उसको हम इस नाटक के ज़रिए हम कह दें। उसके अंदर हमने ड्रामेटिक डिवाइसेस इस्तेमाल करी हैं, जैसे कि जननाट्य मंच हमेशा से करता आया है, लेकिन आइडिया यही था कि छोटा नाटक हम बनाएं और समर्थन को हम बिल्कुल इधर उधर का लाग लपेट ना करके, जिसमें हम कैपिटलिस्ट भी दिखा रहे हैं, जिसमें हम नेता की भी बात कर रहे हैं, जिसमें हम बॉस और बिग बॉस की भी बात कर रहे हैं, और उनकी भी बात कर रहे हैं जो कि मन की बात कहते हैं, तो उसको हम सीधे तौर पर इस नाटक के ज़रिए ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
संघर्षों का दौर है भैया, संघर्षों का दौर।